ये किस्मत भी बड़ी अजीब सी चीज़ है ना, जब लाइफ में कुछ करना चाहो, आगे बढ़ना चाहो तो बैठा देती है आराम से, और जब मन करता है कि आराम से चिल करे, टाइम बिताए फैमिली के साथ, तो ज़िंदगी में सबसे बड़ा कंपटीशन आपके सामने लाके खड़ा कर देती है। सो कोविड का कोई आइडिया नहीं है कि कब ख़त्म होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग घर में बैठ जाएं और आराम से चिल करें। वैसे मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं आराम से बेड पे लेट के फास्ट फूड इंजॉय करते हुए नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम चिल कर सकता हूँ, या फिर अपनी साइकिल निकाल कर बाहर एक्सप्लोर करूँ, अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखूँ, जिससे जो मेरी बॉडी का फैट बढ़ गया है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। सो कमेंट करके मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, कि आराम से लेट के चिल करना चाहिए या फिर अपना एडवेंचर कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ सोचा है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं बाइक से ही जाऊं और एडवेंचर करूं, अपनी साइकिल पे भी ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए छोटा मोटा मेरे को मॉडिफिकेशन कराना है इसके अंदर, तो मैं सोच रहा हूँ साइकिल स्टोर पर चलते हैं, मॉडिफिकेशन कराते हैं और एक कैंपिंग वाली राइड। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, साइकिल के ऊपर कैंपिंग वाली राइड मैंने प्लान कर ली है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं और इसके अंदर मॉडिफिकेशन कराते हैं, देन उसके बाद आपको बताता हूँ कि कैंपिंग वाली राइड हम लोग कहाँ निकल रहे हैं, वो भी साइकिल के ऊपर। तो फाइनली मैं साइकिल पे पहली बार व्लॉग कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि सेटिंग कैसे करनी है, और ऊपर से माइक भी नहीं लगाया तो ऑडियो आपको थोड़ा सा अजीब सा आ रहा होगा, तो अपनी गूगल मैपों को सेट कर लेते हैं। साइकिल में थोड़ा व्लॉग करना मुश्किल है, बट एक बार सेटिंग बैठ जाएगी ना तो आइडिया हो जाता है कि कैसे करना है। तो निकलते हैं गाइस, रेडी। पता नहीं कैसा व्यू आ रहा होगा और आपको ऑडियो सुनाई दे रही होगी या नहीं दे रही होगी, तो ये तो आज टेस्टिंग के बाद ही पता लग पाएगा। तो इसलिए सोचा आज का व्लॉग मैं बना लेता हूँ, क्योंकि जब अपना कैंपिंग वाली राइड पे निकलेंगे तो सब कुछ पता रहेगा कि ऑडियो कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो अभी रेड लाइट हो गई है, तो रेड लाइट पे मैं रुका हुआ हूँ, तो क्रॉस करना है, ज़रूरी नहीं है मोटर व्हीकल पर, तो तभी हमें फॉलो करना पड़ेगा। बट साइकिल के ऊपर भी रूल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अपना तो कोई पता है नहीं, बट दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है कि कब कौन पीछे से आके रोक दे। सो यहाँ पे आपको कुछ HOD नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, सो बस हमें वहीं जाना है। अच्छा हुआ गूगल करके देख लिया, अदरवाइज अगर आगे निकल जाते तो प्रॉब्लम हो जाती। तो चलो वहाँ तक चलते हैं और रोड क्रॉस करके सीधे मिलते हैं साइकिल स्टोर के ऊपर। सो हे गाइस, फाइनली वी हैव जस्ट रीच्ड ग्रीन पार्क, और मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी फैट बाइक के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कराने, क्योंकि आपको तो पता ही है कि किस तरीके की हम लोग राइड करते हैं, तो उतना लगेज ले जाने के लिए अपने बाइक के अंदर, यू नो, साइकिल के अंदर इतना ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पर मैं आया हूँ एक रैक लगवाने पीछे की तरफ, और आगे वाटर बॉटल्स वगैरह छोटा मोटा मॉडिफिकेशन कराना है, जो आपको मैं दिखाता रहूँगा। तो फाइनली भैया ढूंढ कर ले आए एक पीछे लगाने के लिए रैक, जो है रेंजर साइकिल का अवेलेबल था। ये आप देख लीजिए, ये रेंजर साइकिल का रैक है जो ऐसा अटैच किया गया है, और साइडों से इसको सपोर्ट भी दे दिया है। जो रैक के ऊपर से रॉड आ रही है वो एक तरफ से अंदर है और एक तरफ से बाहर है, उसका रीज़न मैं अभी आपको बता देता हूँ कि एक तरफ तो आप देखेंगे कि चेन लगी हुई है और दूसरी तरफ ब्रेक लगा हुआ है, जो ब्रेक लगा हुआ है इसकी वजह से उसको थोड़ा सा बाहर निकाला हुआ है,
जैसे कि हम लोग अपनी एडवेंचर बाइक में पैनियर्स इंस्टॉल करते हैं, तो साइलेंसर की वजह से क्या होता है, एक पैनियर बाहर की तरफ दिखाई देता है और एक पैनियर अंदर की तरफ दिखाई देता है। तो सेम यहाँ पर भी वही सिचुएशन आ गई है कि जो रैक लगाया हुआ है उसकी जो रॉड है एक तरफ बाहर निकाल दिया है और एक तरफ अंदर। तो देख लो यार, सारी जगह एक जैसे ही ऑप्शन आ जाता है, चाहे छोटी साइकिल हो चाहे बड़ी बाइक हो। सो फाइनली गाइस, मैं पहुंच तो गया हूँ इंडिया गेट, बट पिछवाड़े की ना बहुत बुरी तरीके से हालत ख़राब हो रखी है। आज मेरा दूसरा दिन था साइकिलिंग का, तो दूसरे दिन मैं इंडिया गेट पहुंच ही गया। सो गाइस, मैं थक गया हूँ चलते चलते, एक काम करते हैं थोड़ा पैदल चलते हैं जहाँ तक चल रहे हैं और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। अगर कुछ फ्रूट्स वगैरह खाने को मिलते हैं तो बाय करके सैनिटाइज करके खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है मुझे। पानी भी लगभग ख़त्म हो चुका है मेरे पास। सो फाइनली गाइस, मैं घर पे पहुंच चुका हूं और घर पहुंचने में हालत ख़राब हो गई है। मैं कोई साइकिलिस्ट नहीं हूं, बस ये मेरा शौक था, तो ये मैंने पहले की ले रखी थी, तो इन दिनों सोचा इसे यूज़ किया जाए। तो मैंने एक कैंपिंग वाली राइड प्लान की है इसके ऊपर। तो आज जो जो मैंने मॉडिफिकेशन कराया, मैं आपको एक बार डेमो दे देता हूँ कि क्या क्या मैंने मॉडिफिकेशन कराया इसके अंदर। सो मैंने ये रैक कैरियर बनवाया ताकि हमारा पीछे एक बड़ा सा बैग आ जाएगा। उसके नीचे ये मैंने कीचड़ से बचने के लिए ये सपोर्टर्स लगवाए। आगे ये एक बैग बनवाया है, प्लस अपना GPS माउंट हो गया गूगल माता के लिए, और आगे एक बैग जो ये कैमरे वगैरह के लिए, ये एक लाइट लगवाई है इधर, और इधर मैंने लगवाया है वाटर बॉटल के लिए। और साथ के साथ मैंने एक ये वाला लॉक ख़रीदा है और ये जेल वाली सीट लगवाई है ताकि पिछवाड़े को आराम रहे। तो ये मैंने मॉडिफिकेशन कराया है साइकिल के अंदर। तो अगली राइड बहुत जल्दी होगी क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो अभी जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नहाता धोता हूँ और ये व्लॉग एडिट करके आपके लिए लाइव करता हूँ। तो देखते हैं, एक दो दिन में जैसे ही बारिश वाला मौसम बनेगा तो निकल जाएंगे, क्योंकि अगर मैं राइडर होता साइकिलिस्ट में तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बिगनर ही हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद साइकिल चलाऊँगा, और एज अ राइडर की तरह नहीं चलाऊँगा, बस एज अ एक्सप्लोरर की तरह चलाऊँगा कि अपन जा रहे हैं मस्त घूमते हुए, इंजॉय करते हुए, कैंपिंग करेंगे फिर वापस आ जाएंगे। सो जिन लोगों ने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ट्विटर का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो यहाँ तक देख ले तो लाइक कर देना, जितने नए भाई लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में कुछ नए एडवेंचर के साथ। टिल देन, गुड बाय।